क्या यह समझा जाए कि एमएसएमई के लिए सरकार कोई बड़ा आर्थिक पैकेज ऐलान कर सकती है? देखो, ये तो अधिकार वित्त मंत्री का है, वो कब करेगी, क्या करेगी और कैसा करेगी, ये तो उन्हीं को तय करना है। और निश्चित रूप से जो हमारी जिम्मेदारी थी, क्या क्या परिस्थिति है, वो पूरी हमने उनके पास पहुंचाई है। और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। और वैसे हमने इसके पहले भी बहुत से निर्णय किए, वित्त मंत्री ने किए, अभी 20% वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया है। इसके पहले हमने मार्च तक करीब 5-6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया, वो मुदत हमने 31 दिसंबर तक बढ़ाई, जिसमें 25 लाख एमएसएमई रिस्ट्रक्चर होगी। इसके साथ हमने अभी इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न्स 5 लाख तक तुरंत करने के बारे में फैसला हमारे वित्त मंत्री जी ने लिया है। काफी बातें, अभी प्रधानमंत्री जी ने अनाज के गोदाम खुले कर दिए, हमने पूरा सब जगह पर हमारे यहाँ गेहूं चावल कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ गरीब लोगों को पूरी तरह से अनाज मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना में हर गरीब के व्यक्ति के अकाउंट में 35 करोड़ अकाउंट वाले उनमें पैसे जमा किए हैं। और सभी प्रकार से गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबको राहत देकर हम कैसा कर सकते हैं, ये हम करने की कोशिश सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। पर मैंने एक बात उन लोगों को ये भी समझाई, कोई मुझे अमेरिका की बात कर रहा था कि जापान ने अपना 12% जीडीपी कोरोना के पैकेज के लिए दिया, अमेरिका ने 2 ट्रिलियन दिया। तो मैंने कहा देखो, हमारी इकोनॉमी की तुलना जापान और अमेरिका से नहीं हो सकती। और दूसरी ओर हमारे यहाँ निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज कौन अड़चन में नहीं है, राज्य सरकारें अड़चन में, उनको अगले महीने तनख्वाह देने में सोचना पड़ रहा है, भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, बैंकिंग सिस्टम चैलेंज से गुजर रही है, इंडस्ट्री भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, माइग्रेंट मजदूर और मजदूरों के रोजगार का भी प्रॉब्लम है। पर इसमें कोई निराश नहीं होती, हम सब लोग मिलकर आगे जाएंगे और निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और इस संकट की घड़ी में आगे जाकर सब लोग इससे पार होंगे। इसमें बैंक भी टिकेगी, सरकार भी टिकेगी, इंडस्ट्री भी टिकेगी, मजदूर भी टिकेगा और हम इस संकट से बाहर निकलेंगे। जितना हो सकता है उतना पूरा आज तक भारत सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने किया है, हम भी करेंगे, यही विश्वास मैंने सबको दिया और उनको निराशा से दूर करने की कोशिश की। आपने बड़े उद्योगों से कहा कि एमएसएमई सेक्टर का बकाया 1 महीने के अंदर वो चुका दें ताकि इनको भी थोड़ी सी राहत महसूस हो, लेकिन जो बड़े उद्योग खुद आपके सामने रोना रो रहे हैं कि साहब हमारी कमाई बिल्कुल ठप है, हमारे रेवेन्यूज बिल्कुल फॉल कर गए, लगातार नीचे जा रहे हैं, आपको लगता है वो पे करेंगे ताकि इकोनॉमी का चक्र वापस दुरुस्त होने की दिशा में बढ़े? देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंडरटेकिंग और मेजर उद्योग और बड़े कॉन्ट्रैक्टर ऐसे है। और इसलिए एनएचआई में भी मैंने अब कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करना है या उसको कोई पेमेंट देना है तो छोटे लोगों की भी लिस्ट लेकर उनको डायरेक्ट पेमेंट करा दो, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अभी हमारे यहाँ एनसीएलटी में केसेस गई है, जो भी कोर्ट जैसे तारीख पे तारीख हो रही, निर्णय नहीं हो रहे, तो इसके कारण लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इन इंडस्ट्री और बिजनेस एवरीवेयर। अगर समय पर निर्णय नहीं होंगे तो लोगों को तकलीफ होती है। और इसलिए हम निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की और मुझे सभी लोगों ने, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग उसमें थे, एमडी थे, सबने प्रॉमिस किया कि हमने सबके पैसे दिए, फिर भी हम चेक करेंगे, जहां भी कोई कमी होगी तो हम पहले उनका पेमेंट करेंगे। देखिए, वो छोटे छोटे लोग हैं और इसलिए सरकारी स्तर पर पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, भारत सरकार के स्तर पर अलग अलग डिपार्टमेंट में निश्चित रूप से मैंने सबके डिपार्टमेंट के मंत्रियों को रिक्वेस्ट की है कि उनके यहाँ जो भी इस प्रकार का पेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टर का हो, किसी का भी हो, वो इस समय दे, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए। और मार्केट में जब तक लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा जो इकोनॉमी का व्हील है वो गति से चलेगा नहीं। तो इस समय मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना ये सबसे बड़ी आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिम्मत देना, पॉजिटिविटी रखना और जीतने का आत्मविश्वास निर्माण करना। आत्मविश्वास और अहंकार, दो शब्दों में अंतर है। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं। और ये आत्मविश्वास जगाकर हम आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इससे बाहर निकलेंगे, हम जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। गडकरी जी, जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए मार्केट में, आम लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था का चक्र दोबारा शुरू हो सके, तो उसे सॉल्यूशन के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि हर आदमी के हाथ में 7,500 रुपए दीजिए, मैं आपसे ये मांग कर रहा हूं,
तो सारे मंत्री मजाक उड़ाने लगते हैं उनका। देखिए पहली बात तो देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में गरीब लोगों के अकाउंट में ऑलरेडी हमने पैसा जमा कर दिया है, हमने अनाज का भंडार खोल दिया है,